जय हिंद दोस्तों। दोस्तों देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बचपन इलाहाबाद में बीता था। जवाहरलाल नेहरू उनमें अपना बेटा देखते थे और उनकी हर मांग पूरी करते थे। उन्होंने कभी अपनी बेटी की इच्छा का विरोध नहीं किया। जीवन में सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ जब उन्होंने न सिर्फ अपनी बेटी की इच्छा का विरोध किया बल्कि उनसे खासे नाराज भी हुए। इसके बाद भी इंदिरा अड़ी रही और उन्होंने वही किया जो वह करना चाहती थी। इंदिरा गांधी की बायोग्राफी लिखने वाली पुपुल जयकर के साथ ही कई दूसरे लेखकों ने अपनी अपनी किताबों में दावा किया है कि इंदिरा गांधी ने अपनी मां कमला नेहरू और पिता की इच्छा के खिलाफ फिरोज गांधी से शादी की थी। पुपुल जयकर ने किताब में लिखा है कि फिरोज इंदिरा के जीवन में आने वाले पहले शख्स नहीं थे। इंदिरा जब पुणे में मैट्रिक करने के बाद शांति निकेतन में पढ़ने गई तो फ्रेंच पढ़ाने वाले जर्मन टीचर फ्रैंक ओबरडॉफ उनके प्यार में पड़ गए। पुपुल जयकर ने इंदिरा गांधी की बायोग्राफी में लिखा कि फ्रैंक 1933 में शांति निकेतन आए थे। रविंद्रनाथ टैगोर से उनकी मुलाकात 1922 में लैटिन अमेरिका में हुई थी। तब टैगोर ने उन्हें शांति निकेतन आने को कहा था। जब उन्होंने इंदिरा गांधी को फ्रेंच पढ़ाना शुरू किया तब वह महज 16 साल की थी। इंदिरा गांधी की सुंदरता पर मोहित होकर फ्रैंक ने उनके आगे अपना प्रेम प्रस्ताव रखा। पहले तो इंदिरा इस पर काफ़ी नाराज हुई लेकिन समय के साथ दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ गईं। पुपुल जयकर लिखती हैं कि इंदिरा गांधी अपनी ज़्यादातर बातें फ्रैंक से साझा करने लगी। वहीं फ्रैंक लगातार उनकी सुंदरता की तारीफ करते रहते थे। इसी बीच रविंद्रनाथ टैगोर को इंदिरा और फ्रैंक की नज़दीकियों के बारे में पता चला। उन्होंने सख्त फैसला लिया और इंदिरा गांधी को तत्काल वापस घर भेज दिया।